आज ये तस्वीर देखकर चीन को मिर्ची जरूर लगेगी। हालांकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 समिट में भाग लेने नहीं पहुंचे हैं, उनकी जगह चीनी पीएम यहां पहुंचे हैं। लेकिन इस तस्वीर को देखकर शी जिनपिंग चीन में बैठे बैठे ही अपना आपा खो बैठेंगे। दरअसल दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है। तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत मंडपम पहुंचे हैं, जहां पीएम मोदी ने खुद उन सभी का गर्म जोशी से स्वागत किया। सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक एक कर पीएम मोदी से भारत मंडपम के सामने हाथ मिलाकर उनसे मुलाकात कर रहे थे। लेकिन तस्वीर तब बदली जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यहाँ पहुँचे। पीएम मोदी ने उनका हाथ मिलाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी जिस जगह मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, वहाँ बैकग्राउंड में कोणार्क मंदिर का सूर्य चक्र बना हुआ था। जब बाइडेन वहाँ पहुँचे तो पीएम मोदी उनका हाथ पकड़कर सूर्य चक्र के बारे में बताने लगे। पीएम मोदी जब कोणार्क सूर्य मंदिर के चक्र के बारे में बता रहे थे तो बाइडेन बड़े ही ध्यान से उनकी बात को सुन रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मेहमानों का भारत मंडपम में स्वागत किया, लेकिन जब जो बाइडेन ने एंट्री ली तो नजारा कुछ और ही था। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया, गले मिले। दोनों के बीच बातचीत हो ही रही थी कि बाइडेन का ध्यान बैकग्राउंड में लगी पेंटिंग पर गया। इसके बाद पीएम मोदी ने पीछे मुड़कर बाइडेन को पेंटिंग में बने ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर और सूर्य चक्र के बारे में बताया। बाइडेन भी पीएम मोदी की बात सुनते रहे और सूर्य चक्र के बारे में समझते रहे। ये तस्वीर बेहद ही खास है और मिर्ची लगाने वाली है चीन को, क्योंकि चीन इस वक्त भारत और अमेरिका की दोस्ती से काफी चिढ़ा हुआ है। वैसे भी इन दिनों भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी मजबूत हो चुके हैं। कल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। इस द्विपक्षीय बातचीत में दोनों देशों ने फ्रीडम, लोकतंत्र, मानवाधिकार, प्लूरिज्म के मूल्यों पर जोर देने के मसले पर सहमति जताई। इसके अलावा दोनों देशों के बीच इस बातचीत में अहम डिफेंस और एजुकेशन डील भी हुई। इस मीटिंग में अगले साल क्वाड की मीटिंग दिल्ली में होने पर सहमति हुई। इसका मतलब हुआ कि अगले साल की शुरुआत में बाइडेन दोबारा दिल्ली आ सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी और बाइडेन की ये तस्वीर चीन के लिए काफी झटका देने वाली है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।